स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार ना हो, बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, ऐसी मंशा जनता की भी है और कुछ ऐसे लोग जो विगत कुछ वर्षों से बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान के साथ डट कर के प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे ही क्रांतिकारी युवा, एक ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार बुंदेलखंड की यात्रा करते रहे हैं और फिलहाल अभी 1800 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करके चित्रकूट पहुंचे हैं भगवान कामतानाथ का आशीर्वाद लेने। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। कैसा लगा? सबसे पहले तो जनता को आप बताइए कि 1800 किलोमीटर की यात्रा आपने पूरी की है, इस दौरान बुंदेलखंड को किस नजरिए से आपने देखा, सारांश में बताइएगा, फिर आगे हम पूरी बात करेंगे। बुंदेलखंड की माटी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1800 किलोमीटर की यात्रा मुझे अभी भी कम लग रही है। हमारा प्रयास है कि हम हर विकास खंड तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे और जो समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कामतानाथ स्वामी की इच्छा है कि इस कार्य को मैं करूं और बुंदेलखंड राज्य की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का यह प्रयास जारी। बुंदेलखंड में आपने कामतानाथ को ही क्यों चुना, आपने चित्रकूट को ही क्यों चुना कि उनकी इच्छा है? सृष्टि की रचना जिस धरती पर हुई हो, जिस धरती पर भगवान राम ने 11.5 वर्ष अपने वनवास काल के काटे हों, ऐसी पुण्य धरती का आशीर्वाद के बिना ऐसा काम संभव ही नहीं है जिसके लिए मैं निकला हूं। बिना आशीर्वाद के काम करना। बड़ी बात कही आपने कि सृष्टि की रचना चित्रकूट से हुई है, तो बुंदेलखंड की रचना भी चित्रकूट से हो सकती है, ऐसा आपको विश्वास है? ऐसा पूर्ण विश्वास मेरा ही नहीं, समस्त बुंदेलखंड वासियों का है कि जिस धरती पर भगवान राम ने 11.5 वर्ष तपस्या की, उस धरती के आशीर्वाद से ही राज्य बनेगा। क्योंकि विगत कई वर्षों से, कई दशकों से बुंदेलखंड राज निर्माण की आवाज़ झांसी से उठती रही है। वहां के लोगों ने प्रयास किया, स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा ने 1989 में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और जब 2000 में 3 राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, और जब बुंदेलखंड के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया, जब उत्तराखंड के साथ अपना बुंदेलखंड नहीं बना तो इतने आहत हो गए, वो इतने बीमार हुए कि 2001 में वो हम सबको छोड़ के चले गए। ऐसे महापुरुषों की धरती रही है लेकिन उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबके नाथ कामतानाथ का आशीर्वाद अगर हमको मिला होता अब तक राज्य बन जाता। तो आपने तो जो नाम लिया, 1989 से बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान का आंदोलन शुरू हुआ और स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा जी का आपने नाम लिया, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो ऐसे आंदोलन के लिए लगे रहे, डटे रहे। कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बाद में वो सरकार के साथ शामिल हो गए और फिर उनसे सवाल भी किया गया कि आप बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान को भूल गए क्या? तो वो कहते नहीं, अभी हम अध्ययन ही कर रहे हैं, बनेगा राज्य, तो ये कैसी बात है? मुझे लगता है जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों को स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा ही संपूर्ण खर्च देके वो जहाँ पर थे, क्योंकि उनका बड़ा नाम था, उनको बुलाने का काम करते थे। शंकरलाल मल्होत्रा ने उनको सींचने का काम किया, उनको सिखाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उनके संकल्पों के साथ धोखा किया और अब न जाने ऊट पटांग की बातें बनाने का काम करते हैं, जो सरासर जो है शंकरलाल मल्होत्रा जी के विचारों के साथ वो लोग धोखा दे रहे हैं। तो मतलब बात यह है कि जिस पौधे को सींचा गया वो जब बड़ा हुआ और फलदार हो गया, छायादार हो गया, तो वो साइड हो गया, छाया नहीं दे रहा, फल नहीं दे रहा, बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान को भूल गया। बिल्कुल, कुछ लोग समाज में होते हैं कि जब उनको कुछ ना कुछ स्वार्थ उनका टकराता है तो अपनी विचारधारा भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग, आपको क्या लगता है कि आप पर जनता कैसे विश्वास करेगी? आज आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो जनता आप पर कैसे विश्वास कर ले, लोग आपके साथ कैसे खड़े हो जाएं? मुझे लगता है कि इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूं और बचपन से शाखा जाता रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे यही बताया गया कि स्वयंसेवक संघ केवल शाखा लगाएगा, स्वयंसेवक समाज के हर कार्य करेगा। तो मैंने जो बुंदेलखंड की परिस्थिति देखी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, जीव जन के साथ जो दोहन आज़ादी के 75 वर्षों से हुआ है, उसके खिलाफ अभी तक स्वयं सेवकों ने कभी इस प्रकार से आंदोलन खड़ा करने का काम नहीं किया। केवल हम लोग शाखा जाते रहे और विभिन्न अन्य प्रकार से हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन राज आंदोलन में कभी भी स्वयं सेवकों को नहीं जुड़े। और हम लगातार विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि हमको जिन्होंने सिखाया उनको बुंदेलखंड की बात बताकर
उनको बुंदेलखंड की जो दुख पीड़ा है उससे जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा विश्वास है, उनके माध्यम से मोदी जी तक आवाज़ भी पहुंचेगी, क्योंकि मोदी जी भी आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और हम स्वयंसेवकों की आवाज़ वो जरूर सुनेंगे। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि जब भी किसी को राजनीति में आना होता है, नेता बनना होता है, तो आदमी कुर्ता पहनता है, पायजामा पहनता है, और आज का जो ट्रेंड हो गया है, सबसे बड़ा ट्रेंड ऐसा है कि लोग होर्डिंग लगवा देते हैं, जबकि जो हमारी विरासत है वो स्वामी विवेकानंद की विरासत है, वो चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत है, वो भगत सिंह की विरासत है। आज के दौर में नेताओं के सामाजिक काम कुछ नहीं रह गए हैं, होर्डिंग लगवाते हैं और लिखा देते हैं अपना नाम, शुभकामनाएँ, बधाई, इतनी सी नेतागिरी के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपने क्या सामाजिक काम किए हैं कि जनता के बीच में आप एक नेता के रूप में, जन नेता के रूप में, बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान के रूप में, के अगुआ के रूप में प्रस्तुत कर सकें? मैं कहीं भी नेता बनने का कोई प्रयास नहीं है, ना मैं ऐसा खुद को मानता हूँ। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि मैं अपनी माटी के लिए कुछ कर पाऊँ, यहाँ के जल जंगल जमीन जीव जन के लिए कुछ कर पाऊँ, यहाँ की नदियों का संरक्षण के लिए मैं तिनका भर अगर प्रयास कर पाऊँ, उनके साथ जो दोहन हो रहा है उसके खिलाफ मैं जरा सा भी आवाज़ अगर बन पाऊँ, तो मुझे लगता है जो मेरी मातृभूमि मुझे हवा दे रही है, मुझे भोजन दे रहा है, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। मेरा केवल इतना ही प्रयास है, और जिन प्रकार की आपने बात किया, कहीं ना कहीं मैं ही नहीं, आज भी लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो होल्डिंग और इन तमाम सारे चीज़ों से दूर आज भी अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं, अपने पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, अपनी भारत माता की जय जयकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा तो होगा, अभी चुनाव नज़दीक है, इतनी बड़ी यात्रा में आपको दिखी होंगी बहुत सारी होर्डिंग्स। जी निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में होर्डिंगों की जो है बहुत सारी दुकानें खुलती हैं, लेकिन उन होर्डिंगों की आड़ में सामाजिक कार्यकर्ताओं के कामों में कहीं धूल नहीं लग सकती है, आप जैसे लोगों की नज़र जरूर पड़ती है। आपकी इस यात्रा में पर्यावरण के लिए, जैसे अभी आपने बात की नदियों के दोहन के लिए, आपने बात की प्रकृति के संरक्षण के बारे में, तो मनुष्य का भी एक अपना कर्तव्य भी सचमुच यही होता है कि प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, और अगर हम मानव हैं तो हमें हर वक्त उस प्रकृति को धन्यवाद कहना चाहिए, उस प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए बदले में। आपने अपनी इस यात्रा के दौरान क्या कुछ किया प्रकृति के लिए, और क्या संदेश दिया आपने लोगों के साथ मिलकर? हम जब यात्रा में निकले, हमारे समिति के लोग पहले से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह पर हमारा प्रयास होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हम लोग आरती करें, अगर वहाँ पे नदियाँ नहीं हैं तो तालाब के किनारे जाकर सफाई का संकल्प दिलवाएं और एक घंटे का श्रमदान करें। इसका असर ये हुआ कि कई जिलों में बहुत अच्छा कार्य खड़ा हुआ, और अन्य संगठन के लोग भी आरती करने का काम पूर्णिमा अमावस्या दिन, जैसे केन नदी में तो महेश प्रजापति हैं, वो प्रत्येक मंगलवार जो है आरती करते हैं। केन नदी का दोहन किसी से छिपा नहीं है, किस प्रकार से नदी जो है अंतिम सांस से गिन रही है, तो ये एक सामाजिक कार्य है। मुझे लगता है बुंदेलखंड राज समिति और मैं नहीं, ये संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की आवाज़ है, और बहुत ही अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है, सभी लोग अपने पर्यावरण के प्रति, अपनी नदियों के प्रति बहुत ही सजग हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ भी बन रहे हैं। अभी मैं बताता चलूँ, हमीरपुर के सदर के विधायक ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर नदियों के दोहन का विषय रखा है, ये हम सब समाज के कार्यकर्ता जितने हैं बुंदेलखंड वासी उन्हीं का प्रयास है कि विधायक जी ने एक बुंदेलखंड की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया है, कि किस प्रकार सरकार के लोग और उनकी जिस पार्टी से विधायक है उसके लोग, उन्होंने लिखित रूप से उनसे शिकायत किया है और दोहन कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास कहीं ना कहीं सफल जरूर होगा, और सामाजिक कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इस यात्रा के दौरान मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जैसे लोग कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं छतरपुर गया नहीं। क्या ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते, ऐसा बोल करके कि लोग मांग करना ही बंद कर दे? केवल ये राजनीतिक स्टंट है, हमको आपस में जो है लड़ाने का काम किया जाता है। मैं जिस प्रकार से वहाँ गया, मिला, निवाड़ी गया, मैं टीकमगढ़ गया, छतरपुर गया, इन जिलों में लोगों की आत्मा की आवाज़ है कि हम बुंदेलखंड के भाइयों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटकर हमारे एक ही घर में एक लकीर खींचने का काम जो तत्कालीन सरकार ने नेहरू जी द्वारा 1 नवंबर 1956 को किया गया था, वर्तमान की सरकार उस गलत निर्णय को सुधार करते हुए
बुंदेलखंड राज्य का मानचित्र पुनः भारत के नक्शे में बनाएगी। तो मेरी आपसे एक बात ये भी है कि जब हम ऑफलाइन इस पर संवाद करते हैं बुंदेलखंड राज्य बनाओ के लिए और जब शोध करने की कोशिश करते हैं, तो एक बुजुर्ग पत्रकार से मेरी भी बात हो रही थी। उन्होंने एक बात कही कि ठीक है आप बुंदेलखंड राज्य बनाओगे, लेकिन उससे अयोध्या कट जाएगा। जैसे उत्तराखंड बना तो फिर हमसे बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब कट गए, कहते ये कट जाएगा तो फिर चित्रकूट और अयोध्या अलग अलग राज्य भी हो जाएंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि ऐसा कटना संभव है, कट जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा? ये कटना जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग लेके चलते हैं और हमारी जो संस्कृति है, संपूर्ण भारत में जितने भी देवी स्थान हैं, मंदिर मठ हैं, वो सारे हमारे हैं। हो सकता है किसी अन्य राज्य में हो, जैसे चारों धाम की हम यात्रा करते हैं, अनेक अन्य मंदिरों में जाते हैं, अगर वो अन्य राज्य में है इससे उनकी महिमा और हमारी श्रद्धा कम थोड़े ना हो जाती है। अगर अयोध्या प्रभु राम का जन्म स्थली है तो उनकी तप स्थली चित्रकूट है, दोनों अगर अलग राज्य में है उससे कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं कम हुआ। क्योंकि कारण बता दूं, कामतानाथ स्वामी अभी भी तो बटे हुए मध्य प्रदेश में, कहीं उनका जो है किसी प्रकार से आस्था कहीं किसी कम तो हुई नहीं। आज भी लोग प्रतिदिन जो है लाखों की संख्या में आते हैं और परिक्रमा करते हैं उसी आस्था और विश्वास के साथ। तो आपको क्या लगता है कि भारत में जितने राज्य हैं अब तक, और जैसे विदेश है, अमेरिका है, जो विकसित राष्ट्र हैं, और जापान है, तो इनके राज्यों में अनुपातिक रूप से अंतर तो है ही। जैसे अमेरिका और जापान की आपने बात की, निश्चित तौर पर हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार अगर अमेरिका में होता तो अब तक वहाँ पे 150 राज्य बन जाते। हमारी इतनी जनसंख्या होने के बाद भी केवल हमको राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य रहे, जिसकी सरकार रहेगी वो दिल्ली की सरकार को आंख दिखाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश बनाया था कि हम भविष्य में हमारी राजनीतिक रोटियां उत्तर प्रदेश से फलती फूलती रहें। वर्तमान में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, उसका भी कारण यही है कि उनका मात्र उत्तर प्रदेश गढ़ है, और उत्तर प्रदेश पूरे देश को जो है एक अलग संदेश देने का काम करता। हम देखते हैं मीडिया भी जो है उत्तर प्रदेश की खबरों को ज़्यादा दिखाता अन्य राज्यों के तौर पर, तो एक तरह से केवल उत्तर प्रदेश राजनीति का केंद्र बनकर रह गया है, और कभी भी बड़ी इकाई जो होती है उससे विकास जो है आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। जिस विचारधारा पर वर्तमान सरकार चलती है, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, उनके अनुसार अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है तो हमारी कार्य योजना की छोटी इकाइयाँ जितनी बेहतर ढंग से बनेंगी उतना ज़्यादा विकास बहुत जल्दी गांव तक पहुंच सकता है। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण पांडे। इस पूरे साक्षात्कार में एक बात जो बड़ी निकल के आई कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य बना रहे ताकि केंद्र में बैठने वाली सरकार को यहाँ के राजनेता, यहाँ की सरकार आंख दिखाते रहे, और मीडिया भी उत्तर प्रदेश की खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। तो वजह सिर्फ इतनी सी है कि जनता को गुमराह किया जाता है, अन्यथा ये बात सच है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, जापान, जो भी आप ले लेंगे गिनती गिना देंगे, ऑस्ट्रेलिया, सब में राज्यों की संख्या अधिक है। अमेरिका में करीबन 55 राज्य हैं, और ऐसे ही जापान में करीबन 45 से 50 राज्य हैं, 60-65 के ऊपर, जबकि हमसे छोटे देश है जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब राज्य बटेंगे तो राजनीतिक शक्तियां भी बटेंगी, और राजनीति में नए लोगों को अवसर भी मिलेगा, और शायद हो सकता है कि चुनाव सुधार कार्यक्रम भी अच्छे से लागू हो सके। तो ये देखने योग्य है, और इनका जो प्रयास है उसको आप ज़रूर सुनें, और इसको आगे तक ज़रूर साझा करें और इस पर मंथन करें। और जो बड़ी बात कही थी कि सृष्टि की रचना चित्रकूट में हुई थी, तो बुंदेलखंड की भी रचना चित्रकूट से हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। फुल स्टॉप।